काशी चतुर्माता जी, आपके पिक। तो फार्मा स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है अनुज, और इसमें ऐसे तो डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सभी में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है, बट मुझे लगता है सन फार्मा काफी एक अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन करके वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट दे रहा है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि 1135 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, और ये रैली अगर से एक्सटेंड होती है तो 1200-1210 तक मुझे लगता है सन फार्मा का स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सन फार्मा हमारी टॉप पिक रहेगी फार्मा स्पेस के अंदर में। ओके, निफ्टी डे हाई 20,014, अच्छा मूव। निफ्टी आईटी के लॉसेस थोड़े से कम हुए और बैंक निफ्टी अब 45,500 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ, थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी विनु जी, गुड मॉर्निंग। जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन द ओपनिंग, वो होगा टाटा केमिकल्स, और ये करीबन 1060 के आसपास ऑलमोस्ट स्पॉट ट्रेड कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1040, 1040। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1120, 1120 तक। केमिकल्स, इनफैक्ट आज केमिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। आप जीएनएफसी देखिए, यहां पर भी अच्छा बाउंस। सुबह सुबह हमने अतुल और आरती की बात की थी। मयूरेश, कोई केमिकल स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, आपकी कवरेज में हो? तो एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है हमारे जो बाय वॉच लिस्ट में है वो है एमी ऑर्गेनिक्स। कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जैसे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में मिथाइल सैलिकेट में एक पेनिट्रेट कर चुकी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन काफी तगड़ा है इन टर्म्स ऑफ द एंड एप्लीकेशन इटसेल्फ। और दूसरी चीज इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स मोड एज वेल, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो बैटरी मेकर्स को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करेंगे, एमी ऑर्गेनिक्स हुआ, नियोजन केमिकल हुआ, इनको जो भी ध्यान पे रखना। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।